मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। वाल्मीकि जयंती धूमधाम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाई गई। भोपाल के शाहजहानाबाद में भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई। यह जानकारी शिवा चौहान वाल्मीकि दल प्रदेश सचिव ने दी है। दास मारोट प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत। आज वाल्मीकि जयंती का उत्सव है। हम कबीरपुरा शैलाबाद में पूजा आराधना करने जा रहे हैं और दुर्गा मंदिर पे और कृष्ण मंदिर पे राम भगवान पैदा भी नहीं होते जब वाल्मीकि जी ने पूरे रामायण लिख दी थी। बिल्कुल, वाल्मीकि समाज हमेशा दूसरों के लिए कार्य करता। आज आपने ये बात साबित कर दी कि वास्तव में वाल्मीकि समाज इस देश के लिए समर्पित है। बिल्कुल समर्पित है साहब। सर, आज वाल्मीकि जयंती है तो किस प्रकार वाल्मीकि जयंती मनाइए? आज भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है। इसे हम लोग सभी सामाजिक बंधु और अन्य समाज के लोग हमारे साथ मिलकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी सर्वधर्म श्री वाल्मीकि सर्वधर्म श्री गणेश दुर्गा वाल्मीकि उत्सव समिति द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष भी हम मना रहे हैं। सर्वप्रथम हम भगवान वाल्मीकि जी का हवन पूजन करेंगे, उसके बाद हलवा प्रसादी दिन भर चलती रहेगी। शाम को 7 बजे हम यहाँ पे महाआरती का आयोजन करा गया है, जिसके अंदर महाआरती भगवान वाल्मीकि जी के नाम से की जाएगी। तत्पश्चात उसके बाद खीर का वितरण किया जाएगा सभी लोगों में। लगभग 1000 लोगों की खीर का वितरण किया जाएगा। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? संदेश ये है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यही हमारे बाबा साहब ने कहा था, यही वाल्मीकि जी ने कहा था। सभी समाजों से हम तो यही अनुरोध करते हैं कि सब हिल मिलकर रहें। गंगा जमुनी तहजीब का मैसेज सभी समाजों को देना चाहता हूं मैं। सब साथ रहें, भाईचारा बना रहें। यह वाल्मीकि। सर, नाम बता दीजिए। शिवा चौहान, मध्य प्रदेश वाल्मीकि दल का अध्यक्ष भी हूँ मैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव भी हूँ। सलेन बल्लो, जिला अध्यक्ष वाल्मीकि महापंचायत जिला भोपाल। सर, बधाई देते हैं। आज वाल्मीकि जयंती पे पूरे शहरवासियों, प्रदेशवासियों को, संपूर्ण वाल्मीकि समाज की वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।